नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम बताते हैं आपको जालौर सिरोही के पूर्वी हिस्से में हो रही बरसात के बारे में, जहां पर अबरूड से लेकर माउंट आबू, स्वरूपगंज से लेकर पूर्वी जालौर हिस्से का जो जसंतपुरा के आसपास का सुंदर माता की पहाड़ी के आसपास के जितने भी गाँव पड़ते हैं वो तो सारे प्रभावित हुए हैं। सभी छोटे बड़े बांध और चेक डैम ओवरफ्लो चल रहे हैं। का पार्श्वनाथ जी भगवान का जैन मंदिर है, जैसे बारिश इस तरह से हुई है जैसे आज से पर्यूषण शुरू हो रहे हैं और भगवान ने पूरे मंदिर ही क्या पूरे परिसर को भी नहला दिया है गंगा जल से। उसी तरह से कई जगह पर मोटरसाइकिल पर युवक बहते नज़र आए तो कहीं ट्रक फंसे हुए नज़र आए। अब रोड में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया कि अपने पुराने और जर्जर मकानों से बाहर निकलें और सुरक्षित जगह पर रहें। जितने भी जालौर सिरोही से लगे सटे हुए जो डैम हैं वो सारे जलमग्न हो चुके हैं, तो उसमें भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए पूरी रिपोर्ट किस तरह से मौसम विभाग की सूचना के अनुसार भारी और भरकम बरसात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोड में और बारिश को देखते हुए पुराने जो जर्जर मकान है उनसे बाहर निकले, उनसे सुरक्षित रहें, अपनी गाड़ियों को पेड़ों के पास नहीं खड़ी करें और अपना बचाव करें। रोड के ऊपर यहाँ प्रथम नाला जो है पानी भर के चल रहा है और लगभग रास्ता बंद हो चुका है। सामने की तरफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं, ये देखिए अपनी सोसाइटी का लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ये सारी गाड़ियाँ रुकी हुई पड़ी है, पानी उतरने का वेट कर रहे हैं। सामने ये दिख रही है आपको मधुरम कॉलोनी, ये देखिए चारों ओर पानी ही पानी। मैं खुद यहाँ पर भी पानी के अंदर खड़ा हूँ। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ उस पार रोक रखी है, देखिए ये, इसलिए कृपया आबू रोड आने वाले और आबू रोड से जाने वाले रिस्क नहीं ले, पानी उतरने के बाद ही अपना ध्यान रखें।
संभाल तो थोड़ी रही है हमें। फूल आई है फूल, कोई बाहर है वो दाल जो मती गो में होमा बताओ जो वीडियो नहीं है फोटो है, वीडियो जाए देवी पुत्र में बस वीडियो वीडियो क्या लगे रवाना को प्रोपसी नदी के पास खड़े हैं। हिंदमार से किलोमीटर 9 पे खड़े हैं और यहाँ पे बाइक पे दो आदमी खड़े थे और वो नदी के बाव से बह गए हैं। अभी जस्ट पानी ज्यादा चलता है, अभी नदी के जस्ट बीचों बीच वो खड़े थे और नदी के साथ बह गए। कड़ा की तरफ से आ रहे थे वो शायद कड़ा की तरफ से आ रहे थे और हम भीनमाल की तरफ से आ रहे थे। हमने देखते देखते वो वहाँ से निकल गए थे लेकिन हम बचाने की फुल कोशिश की लेकिन वहाँ बच नहीं पाई और वो नदी के बहाव से आगे बढ़ गए। अच्छा कितने लोग थे? वो दो लोग थे, दो लोग बाइक पे। अभी उनके बचने की संभावना है क्या? आगे बबुल वगैरह झाड़ियों में, आगे अब झाड़ियों में शायद कहीं अटके होंगे तो हमने पुलिस वालों को फोन किया है, वो शायद अभी आ रहे होंगे। कंट्रोल रूम से बात हुई क्या? हाँ कंट्रोल रूम से बात हुई है, वो आ रहे हैं। भीनमाल पुलिस थाने की बात हुई है और अभी वो आने वाले हैं। लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। स्थानीय लोग ग्राउंड रिपोर्ट रोपसी नदी से भागीरथ राम जी मांझू। ट्रक तबरे तो ही आवे रहो, वजन घनो बहन लोडिंग ट्रक तो आवे रहो। भाई तू आओ लाइट चालू रख दो लाइट रायपुर नदी आ गई है भाई साहब 23/8/2022 को शाम 6:30 बजे। हाँ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।